हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक गुड न्यूज़। अब ये गुड न्यूज़ क्या है कि इस साल का पद्मश्री अवार्ड ना ही किसी क्रिकेटर, ना ही किसी एक्टर और ना ही किसी पॉलिटिशियन को दिया गया, बल्कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पीपल को दिया गया है और रियली में वो डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को। तो आइए जानते हैं कि इस साल के पद्मश्री अवार्ड किन किन लोगों को मिला है। पहले हैं जगदीश लाल आहूजा। ये दो दशक से ही पुअर पेशेंट्स के लिए, मोर देन 500 पुअर पेशेंट्स के लिए लंगर लगाते हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट है मोहम्मद शरीफ। ये एक बाईसाइकिल मैकेनिक है और ये 25 सालों से उन बॉडीज को दाह संस्कार करते हैं जिनका कोई नहीं होता। नेक्स्ट है रवि कन्नन। इनको मेडिकल मसीहा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया बराक वैली में जाकर कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हरिकला हजब्बा। ये एक फ्रूट वेंडर है, मतलब फल फूल बेचने वाले, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उन बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया जिनका कोई नहीं होता या जो गरीब होते हैं, बच्चे पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है तुलसी गौड़ा। ये हल्की ट्राइबल्स की वुमेन्स हैं और इन्होंने कई सालों से लोगों को प्लांट्स एंड हर्ब्स के बारे में जानकारी दी है कि वो कैसे हम उसे एज अ मेडिकिनल यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम उगा सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है अब्दुल जब्बर। ये तीन दशक से फाइट कर रहे हैं उन पीपल्स के लिए जिनकी लाइफ भोपाल गैस ट्रेजेडी में ख़राब हो गई थी, उनके सही ट्रीटमेंट के लिए, उनके सही रिहैबिटेशंस के लिए ये फाइट करते हैं। नेक्स्ट है एस कृष्णानंद। ये खुद एक नेक डाउन फुल्ली पैरालाइज्ड है, मगर इनका बहुत ज़्यादा ही नाम है। ये खुद एक दिव्यांग के लिए रिहैबिटेशन सेंटर चलाते हैं। नेक्स्ट है योगी एरन। ये 35 साल से उन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कि किसी कारणवश जल जाते हैं या जिन्हें कोई जानवर बाइट कर लेता है, तो ये हिमालयस में फ्री ऑफ कॉस्ट उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है सुंदरम वर्मा। इन्होंने 50,000 से ज़्यादा प्लांट्स राजस्थान के बंजर जमीन पर उगाए हैं और उसी के साथ साथ एक प्लांट में सिर्फ ये 1 लीटर पानी यूज़ करते हैं और 100% प्लांट सर्वाइव भी करते हैं। नेक्स्ट है राधा मोहन एंड सबरमती। ये फादर डॉटर, इन्होंने डिग्रेडेड लैंड को पूरी फॉरेस्ट फूड में बदल दिया और वो भी बिल्कुल एक ऑर्गेनिक टेक्निक के हिसाब से, किसी भी फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट है सत्यनारायण मुंडयूर। ये अरुणाचल में लोगों के अंदर पढ़ने की इच्छा जगाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि लाइफ में पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है, वो भी पूरे जॉयफुल मैनर में। नेक्स्ट है मुना मास्टर। ये एक मुस्लिम भजन गायक है और ये अपने भजन के जरिए बहुत सारे हमारे देश की खूबसूरती को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है उषा चौमार। ये कूड़ा कचरा उठाने का काम करती हैं, मगर इनके सालों की मेहनत ने इनको प्रेसिडेंट ऑफ सुलभ इंटरनेशनल बना दिया और ये एनवायरमेंट सैनिटेशन के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट है मुजिकल पंकजाक्षी। ये एक लोते प्रैक्टिशनल है नोकु विद्या पवकली की, जो कि एक कठपुतली की आर्ट है। इन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को अभी तक भी जिंदा रखा हुआ है लोगों के बीच। नेक्स्ट है राही भाई सोमा पोपरे। ये एक सेल्फ टोट ट्राइबल वुमेन है, मतलब खुद से पढ़ी लिखी, और ये अपने गांव के लोगों को ये जानकारी देती है, उन्हें नॉलेज देती है कि किस तरीके के प्लांटेशन वो कर सकते हैं, कैसे अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, वो भी एकदम ऑर्गेनिक मैटर में। तो देखा आपने इनकी सेल्फलेस सर्विस हमारे देश के लिए, मैं इनकी सेल्फलेस सर्विस को सैल्यूट करती हूँ। ये बिना किसी मतलब के हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, वो भी उस टाइम पर जब आज के टाइम पे हर एक इंसान अपने मतलब के लिए ही एक दूसरे को यूज़ करता है। वैसे में ये बिना किसी मतलब के निःशुल्क सेवा दे रहे हैं देश को और देश के लोगों को। ऐसे लोगों को सत सत नमन मेरा। तो अगर आपको इनकी सेल्फलेस सर्विस अच्छी लगी हो, आप इनसे इंस्पायर्ड हुए हो, तो एक लाइक इस पीपल्स के लिए भी आप इस वीडियो पर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए सलाम नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।